हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार, आप सबों का फोकस से स्टडी पॉइंट दिल्ली में आप सबका स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोग अभी तक मेटल नॉन मेटल में पढ़ लिया है 3 लेक्चर, आज चौथे लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल। उसके बाद मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर करके H2O के साथ, जल के साथ अभिक्रिया करके, फिर एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो रिएक्टिविटी चार्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसको याद करने का मैंने ट्रिक बताया था, तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिविजन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या था देखते हैं एक बार। क बै का न मांग आलम जहांगीर, कबै का न मांग आलम जहांगीर, फिर सेना निकाला पहाड़ पर, का हुजूर आज आऊं, ठीक है। मैंने ये बताया था कि ये जो होते हैं, ये जो कंपाउंड होते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं, जो मेटल होते हैं ऊपर वाले, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये जो मेटल होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, बीच वाले जो होते हैं ये मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले जो होते हैं, जैसे कि मैं बता दूं, सोना, ये चांदी है, कॉपर है, मरकरी है, ये सब बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। इवन सिल्वर और गोल्ड, ये तो किसी के साथ रिएक्शन करते नहीं है। गोल्ड जो है किसी के साथ रिएक्शन करते नहीं है, गोल्ड खास करके, इसलिए यह फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा मेटल जो है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है, वो है अपना गोल्ड। गोल्ड जो होता है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। यह क्रियाशीलता समूह जो है, क्रियाशीलता समूह इसमें सबसे नीचे होता है, यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें सबसे नीचे कौन सा होता है, अपना सोना होता है, ठीक है। अब देखिए, यहां तक के जो मेटल होते हैं ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कॉपर जो होता है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छा से याद कर लीजिएगा, क बै का न मांग आलम जहांगीर, फिर से ना निकाला पहाड़ पर, का हुजूर आओ, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए भी है, सबके लिए भी है। चलिए तो फिर से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो भी मेटल है, हम लोग को मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यहां से हमको हमारे बुक में, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है आयनिक कंपाउंड, यानी कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके जानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि जो भी मेटल है उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सॉरी, जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे पहले देखिए, कोई भी एक एलिमेंट है, इसमें क्या क्या होते हैं, कोई भी मेटल है या नॉन मेटल है, यानी कि हम बोल सकते हैं इसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमको प्रोटॉन न्यूट्रॉन से अभी मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है, आयनिक कंपाउंड बनते हैं, आयनिक कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। अब जैसे आप देख लो, एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम पे 3+, क्लोरीन पे -1, तो ये क्या बनाते हैं, AlCl3, तो ये आयनिक कंपाउंड है। तो हमने यहां पे एल्यूमिनियम पे 3+ और क्लोरीन पे -1 कैसे आया, ये अभी थोड़ी देर बाद हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स हैं, कोई भी एटम्स हैं, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम जानते हैं सेल के बारे में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक एटम है, ठीक है, एटम है, तो ये पहला सेल है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ठीक है। तो यहां पे आप लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये होता है 2n², ठीक है, वेयर n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी कि अगर यहां पे ये पूछा जाए, यहां पे लिखो आप हिंदी में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, जहां n बराबर ऑर्बिट, इसको हम कक्षा बोलते हैं, की संख्या, ठीक है। तो देखो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, हम जानते हैं 2n² होता है, पहली कक्षा बराबर n बराबर 1, तो क्या होगा 2 × 1² = 2, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है 2n², ये एक्चुअली आपको 9th में पढ़ना था, बट यहाँ पे आपके बुक में है, हमको पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा हम रिमाइंड करा रहे हैं, ठीक है। पहली कक्षा हो गया, अब यहां पे देखिए आप दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगा 2n², अब n की जगह पे हम क्या रखेंगे, n बराबर 2 पुट करेंगे, 2 × 2² = क्या हो गया 8। इसी तरह आप इंग्लिश में लिख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। अब इसी तरह तीसरी कक्षा में सेम ऊपर वाला लिख लो, तो होगा 2n², यहां पे n बराबर क्या रखेंगे 3, हम रखेंगे n बराबर 3 रखना है, तो 2 × 3² = 18। हम लोग को यहां से काम चल जाएगा इतना से, बट एक बार और आप ले लो चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, टू इंटू एन के जगह 4 लिख दो आप, यानी कि हो गया 32, 2 × 2 = 4, 4² कितना होता है 16, 16 × 2 = 32। तो देखो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 2, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो गए 8, तीसरी कक्षा में कितने हो गए 18, चौथी कक्षा में कितने हो गए 32। बट ना एक चीज आप याद रख लेना, एक स्टार मार्क देकर लिख लेना, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये तो पढ़ा दिया जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 2n² होता है, बट एक ना लाइन स्टार मार्क देकर लिख लेना। स्टार मार्क देने का मतलब होता है कि हम एक कोई चीज पढ़ते हैं और यह जो होता है यह उसका फॉलो नहीं करता है, तो होता क्या है कि किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या आठ हो सकती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिट ऑब्लिक सेल इज 8, मे बी 8, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब ना यहां से हम थोड़ा मेटल के बारे में, जो भी मेटल है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो हमको पढ़ना है,
तो देखिए मैंने बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ये मेरे या तो मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, नोबल गैस हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं नोबल एलिमेंट्स, क्या लिखता हूं नोबल एलिमेंट। एक्चुअली देखिए ये होते क्या है, ये जो भी नोबल एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट जो होते हैं ये गैस के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं? गैसेस के फॉर्म में होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा क्या होता है, कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सी गैसेस होती है? ऑक्सीजन। थर्ड लार्जेस्ट गैस जो होता है, ठीक है, ये अपना आर्गन गैसेस है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों नोबल गैस का मतलब क्या होता है, हम लोग जहां पे रहते हैं हर कोई चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए। तो दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्टेबल होते हैं, और वो स्टेबल होते हैं इसलिए हर दूसरा कोई भी चाहता है कि हम भी उसके जैसा बने। नोबल गैस कहने का मतलब होता है जो भी एलिमेंट्स है, जो भी ये इस तरह के एलिमेंट है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, यानी कि अष्टक इसका पूर्ण है। अष्टक पूर्ण होने से मतलब यह है कि ऐसे एलिमेंट्स के बाह्यतम कक्षा में, ऐसे एलिमेंट्स के बाह्यतम कक्षा में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जैसे इसका एक्सेप्शन यह है, हम तो अष्टक ऑक्टेट का रूल ये कहता है कि वैसे एलिमेंट्स जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन जो अपना हीलियम मेटल है, सॉरी हीलियम जो एलिमेंट है या गैस होता है, ठीक है, इसमें दो ही एलिमेंट है, ठीक है। इसका इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में तो 2 ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन हुआ। तो याद करिए मैंने जस्ट बताया था 2n2, यानी कि 2 × 1, जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी जो होगा स्टेबल होगा। तो इस तरह से मेरा हीलियम भी जो है वह स्टेबल है। तो देखिए मैं ये बता रहा था कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है वह जो एलिमेंट है वह स्टेबल होता है, ठीक है। तो नोबल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन। देखिए मैं एक्चुअली जो 20 तक एलिमेंट्स हम लोग को पढ़ने हैं इसके बारे में मैं आपको भी बता रहा हूं। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। नियॉन का कितना होता है? 10। आर्गन का कितना होता है? 18, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैंने बताया था फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। दूसरे में कितने रह सकते हैं? 8। तीसरे में 18। लेकिन ये जो 18 होता है ना, ये जो 18 होता है इसको हम लोग जैसे सेल है, ठीक है ना, इसको हम लोग मान लीजिए के एल, ये एम सेल है, ठीक है। तो फिर इस 18 को हम लोग लिख इस तरह से लिखते हैं 8 8 2। ये आपका M1 हो गया, M डबल डैश हो गया, M ट्रिपल डैश, इस तरह से लिखते हैं, यानी कि M का ही दूसरा सेल है। ये आपको आगे क्लास में पढ़ना है, पर हमको अभी इस चक्कर में नहीं जाना चाहते हैं। हम बस इतना जानेंगे कि K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं? 8। अच्छा जरा ये बात बताइए, कोई एक पानी का गैलन है जिसमें 50 लीटर पानी रह सकता है, क्या उसमें 5 लीटर पानी रह सकता है? नहीं, ऑब्वियसली रह सकता है, वैसा ही है। इसका मैक्सिमम एकोमोडेशन एकोमोडेट कर सकता है ये 8 को, तो कभी 1 कभी 2 कभी 3 भी रह सकता है, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं रह सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही देखता हूं दोस्तों, फिर मैंने अभी जस्ट बताया कि वैसे एलिमेंट जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नोबल गैसेस होते हैं, यानी कि नॉट होते हैं, उसको कुछ लेना ना देना मगन रहने वाली बात है, वह किसी से कोई रिएक्शन नहीं करता। भैया हर कोई रिएक्शन क्यों करना चाह रहा है? कोई भी एलिमेंट्स है, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल या नॉन मेटल रिएक्शन क्यों करना चाहता है? क्योंकि स्टेबल बन जाए, ठीक है। सबकी इच्छा होती है कि हम भी, वैसे एलिमेंट की इच्छा होती है। तो देखिए इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसको 2 है तो 2 हो गया। अब यहां देखिए आउटर मोस्ट, इसको लिखिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
ठीक है, दो। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि परमाणु का बाह्यतम कक्षा में कितने कौन से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए हीलियम दो, ये यहां तो दो ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, ये भी दो ही हो जाएगा। अब देखिए नियॉन है दो आठ, ठीक है। अब यहां देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, आठ, तो आठ है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए यह नोबल गैस है। अब देखिए दो आठ आठ, मैंने बताया था कि दो आठ के बाद आठ ही आएगा, मैक्सिमम आठ रह सकता है, फिर उसको आठ के बाद हम लोग तोड़ना चालू करेंगे। तो इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, आठ, तो यह ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों हम मेटल की चर्चा करते हैं, ठीक है। मेटल के बारे में देखते हैं कि मेटल कैसे फॉर्म करता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, ठीक है। देखिए मेटल, ठीक है, ठीक है। अब यहां से हम लोग मेटल यानी कि जो भी धातु के बारे में हमको पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों, ठीक है। कौन कौन से बारे में पढ़ना है, सोडियम, इसको हम डिनोट करते हैं Na से। अब हम लोग पढ़ते हैं मेटल के बारे में, यहाँ पे जो है वो भैया बोल रहे हैं कि आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, ठीक है ना। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, एक्चुअली आदत लग गई ना छोटा छोटा लिखने का, छोटे छोटे लिखने की आदत लगी, ठीक है। तो हमको पढ़ना क्या चीज के बारे में, सोडियम, ठीक है। ठीक है, इसका लिखते हैं हम Na, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, ठीक है, सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तब देखिए के एल एम एन, आपको बताया थे इसमें दो, फिर आठ हो गए एक, तो यह जो हो गया आपका यह आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए अब हर जगह मैं नहीं लिखूंगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सोडियम के बाद मैग्नीशियम, इसको हम Mg से डिनोट करते हैं 12, ठीक है। यहां देखिए के में दो आठ फिर दो, तो ये इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, इसको हम डिनोट करते हैं एल, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। अब देखिए दो आठ तीन, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद देखते हैं पोटेशियम, हाँ, इसके बाद हम लोग देखते हैं पोटेशियम, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं दोस्तों के, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। देखिए दो आठ, इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 18, लेकिन उस 18 को हम कैसे लिखते हैं, आठ आठ फिर दो, तो इस तरह से ये मेरा हो गया बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
लास्ट में एक देखता हूं क्या चीज, कैल्शियम। ठीक है, 2 8 8 2 ये हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छा से नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके प्लीज आप नोट करिए। इसके बाद हम लोग नॉन मेटल के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो नॉन मेटल हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने मेटल के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं कौन से नॉन मेटल हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन, आपको याद है कि नहीं 120 तक एलिमेंट्स, या 120 तक एलिमेंट्स प्लीज 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 आप याद कर लो, नहीं तो दिक्कत आपको होने वाली है। के एल एम एन, ठीक है, अब यहां 7 है, 2 और ये 5, यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, या क्या है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। ये सब आप लिखते रहना, हिंदी में लिख लो आप नाइट्रोजन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में 2 तो होगा ही, इसमें 6, ये हो गया आपका अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, कितना है, 6। इसके बाद क्लोरीन, उसके बाद क्या है, फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। ठीक है, ये होता है भैया क्लोरीन का कितना होता है, 9, ये हो गया 2 7। ठीक है, इसके बाद 7 8 15, यानी कि फास्फोरस, मैंने बताया था आपको याद होगा क्वेश्चन जब हम करा रहे थे तब, फास्फोरस जो होता है वो 2 तरह का होता है, ये बाद में पढ़ेंगे इसको, फास्फोरस P15, 2 8 5 8 2 10 5 15, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर का 16 होता है, 2 8 6। ठीक है, फास्फोरस सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, CN 17, 2 8 7, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7। अब देखिए मैंने बार बार ये बोला था कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कोई भी मेटल या नॉन मेटल जो भी है, इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इससे अभी प्राय क्या है, जस्ट मैं अभी बस 2 मिनटों में आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, इतना आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है, इसका आप ध्यान रखिए, हम लोग कैसे रिएक्शन बनते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आप इसका हेडिंग देना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो एक मेटल लेता हूं मैं, सोडियम, इधर क्या है क्लोरीन, आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, क्लोरीन का 17। अब देखो 2 8 1, यहां क्या है 2 8 7, जस्ट पीछे मैंने लिख रखा है, तो मुझे यह 8 हो गया इससे मतलब नहीं, यहां 8 हो गया उससे मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं,
उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग सिर्फ बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं। यहाँ पे मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। अब देखो क्लोरीन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, सात। तो यहाँ पे हम लोग सात इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन ही हम दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो यह होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो है वह ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब होता क्या है, यह बोलेगा भाई आप अपना इलेक्ट्रॉन एक दे दो मुझे, ठीक है। क्या बोलेगा, भाई एक आप अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। देखिए सोडियम के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में सात इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए यह क्या करेगा कि अगर यह अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट कब तब होगा, जब यह एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। और देखिए कोई भी आदमी जो किसी को कुछ देता है, जैसे मान लो पैसा, और कोई आदमी किसी को देता है तो क्या होता है, धनायन होता है, धनी होता है, जो लेता है वो क्या होता है, ऋणी होता है। इसलिए यह दे सकता है, इसलिए धनायन बनाता है, और जो लेता है जो ऋणी बनता है वह क्या बनाता है, ऋणायन। इसलिए सोडियम जो है वह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर करके क्या बनाएगा, दो आठ, और यह एक इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बनाएगा, दो आठ आठ। इसलिए दोस्तों इस सिचुएशन में क्लोरीन पे माइनस वन आ जाता है और सोडियम एक देता है, इसलिए इस पे प्लस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है देख लीजिए, यह अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो अब देखिए इस तरह से देने के बाद होगा क्या, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यही तो बनता है दोस्तों NaCl। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं, NaCl। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं Na प्लस Cl माइनस NaCl, यही तो मेरा कॉमन साल्ट, जो टेबल साल्ट, जो नमक का फॉर्मूला होता है यही होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक्चुअली होता क्या ना कि सोडियम जो होता है पॉजिटिवली चार्ज है, क्लोरीन जो होता है वह निगेटिवली चार्ज होता है, और जिसमें भी निगेटिव चार्ज आ जाता है उसको हम लास्ट में बोलते हैं आई। तो यह सोडियम और यह क्लोरोइन, क्लोरीन बन गया निगेटिव चार्ज बनाया इसलिए क्लोराइड, दोनों मिलकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बनाते हैं दोस्तों, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए अब इसी तरह हम दूसरा कंपाउंड बनाने का देखते हैं, इसी तरह हम लोग मैग्नीशियम का भी बना के देखते हैं, क्लोरीन यहां पे मैग्नीशियम हम लोग चेंज करते हैं, देखिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में जानते हैं क्या होता है, दो आठ दो, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सात, यानी कि ये मैक्सिमम एक को ले सकता है, मैक्सिमम क्लोरीन कितने को ले सकता है, एक को ले सकता है, तो हमको दो क्लोरीन बनाने पड़ेंगे दोस्तों, तो दो क्लोरीन, क्योंकि दो लेने के लिए हमको, देखिए मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इस क्लोरीन को देगा और एक यहां देगा, तब जाकर के यहां पे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये बनाते कैसे हैं, देखिए मैग्नीशियम यह बनाएंगे प्लस टू और क्लोरीन माइनस वन। अब देखिए यहां पे मैग्नीशियम प्लस टू है, क्लोरीन माइनस वन, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो डॉट स्ट्रक्चर होता है, एक डॉट स्ट्रक्चर जो होता है इसको लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैग्नीशियम क्लोराइड का। इसको कैसे बनाएंगे, यहां मैग्नीशियम पे कितने इलेक्ट्रॉन है, दो प्लस है और क्लोरीन, ठीक है। यहां
यहां ये दिया इसको, तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ये इसका इलेक्ट्रॉन दो आया है, ठीक है दो आया है, इसलिए यहां पे हम लोग लिखेंगे दो। यही लास्ट में बनता है दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखिए आप, आयनिक कंपाउंड बनता कैसे है, ठीक है दोस्तों। देखिए इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हुआ। देखिए दोस्तों मैंने जस्ट बताया कि जो भी मेटल अगर निगेटिवली चार्ज होता है उसको हम लोग लास्ट में आई लगा करके बनाते हैं। आई जैसे कि क्लोराइड है तो हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड आयन। अब देखिए जैसे यहां पे मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, ठीक है, तो यह प्लस टू बना रहा है, ये माइनस वन बना रहा है, वन को हम लोग लिखते रहिए जस्ट ये मान लीजिए ऐसे है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग कटायन, और जो निगेटिवली चार्ज होता है उसको बोलते हैं एनायन, ठीक है। अब देखिए कटायन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, देखिए ये काट दिए बन रहा है कि नहीं, कटायन कट दिए तो ये क्या बन रहा है, जो तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं कटायन, कट दिए एनायन छोड़ दिए, यानी कि जो निगेटिवली चार्ज है वो मेरा एनायन है और जो पॉजिटिवली चार्ज है वो मेरा कटायन है, ठीक है। तो इसके बाद लिखिए आप आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन, आयनिक बॉन्ड होता क्या है, ठीक है, या आयनिक कंपाउंड होते क्या हैं। तो डेफिनेशन लिखिए आप आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का डेफिनेशन लिखिए, द कंपाउंड formed by manner, the compound formed in this manner by complete transfer of electron from a metal to a non-metal, ठीक है। The compound formed in this manner by complete transfer of electron from a metal to a non-metal, नॉन-मेटल, ठीक है, यानी कि एक धातु से दूसरे अधातु में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ट्रांसफर से जो कंपाउंड बनते हैं, जो यौगिक बनते हैं, उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं, उसे हम आयनिक यौगिक, उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, यानी कि मेटल के तरफ से इलेक्ट्रॉन जाता है कहां, नॉन मेटल में, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आप जस्ट मैंने बताया, एग्जांपल क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड, इटीसी, ठीक है। अब देखिए लिखिए होंगे आप लोग, नहीं लिखा हुआ है तो प्लीज इसको पॉज करो, लिखो, टाइम नहीं मिलेगा आपको नोट करने के लिए, तो बस पता चला एक घंटे का वीडियो बनाना है और तीन घंटे में खत्म होगा, ठीक है। आप लोग जरा इसको मैनेज करिए, अरे दसवीं में पढ़ रहे हो यार, दसवीं में पढ़ने वाले हम लोग दसवीं में थे तो भाई कोई पढ़ाने वाला नहीं था हम लोगों को, आप लोगों को तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जिससे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए, देखो आप प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक के मात्र भी चल रहा है, आयनिक यौगिक के गुण, ठीक है। अब देखो, अब जरा पहले इसको समझ लेते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड है इसके क्या क्या गुण होते हैं, उसके बाद हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, यह सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड होते हैं। सॉलिड क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, इसके जो बॉन्ड के बीच फोर्स होता है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी कि जैसे मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड ये बना, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोरीन क्लोरीन, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड बहुत ही मजबूत होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्फा, ठीक है। यानी कि आयनिक कंपाउंड का जब निर्माण होता है तो जो आयनिक बॉन्ड होता है यह बहुत ही मजबूत होता है। इस कारण से यह जो होते हैं यह ठोस अवस्था में होते हैं। दूसरा दोस्तों क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं यह भंगुर होता है, ब्रिटल होता है। आयनिक कंपाउंड जो है प्रेशर अगर जोर से हम लोग मारेंगे तो यह पदार्थ नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब देखो, अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जैसे आप NaCl यानी कि जो टेबल साल्ट है जो हमारे घरों में यूज होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 1000 केल्विन के आसपास और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 1700 केल्विन। आप इससे अंदाजा लगा लो कितना हाई है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो दोनों जो होते हैं वह ज्यादा होते हैं। तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट में बताया आयनिक कंपाउंड आर इन सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। यानी कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है, because of a strong ESFA, ESFA को लिख लेना ब्रैकेट में। ESFA को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था आयनिक कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स दूसरा क्या था, आयनिक कंपाउंड्स आर जेनरली ब्रिटल व्हेन अप्लाई फोर्स दे कैन फॉर्म इन टू पीस, दे कैन ब्रेक इन टू पीसेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक यौगिक
भंगुर होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं दोस्तों? आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। और जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, अप्लाई प्रेशर, ठीक है, एवं जब हम लोग एवं जब बल का उपयोग करते हैं तो ये तब ये दो पीस में, दो भाग में टूट जाते हैं, ठीक है। तीसरा लिखिए आप, मैंने बताया तीसरा क्या होता है, पहला आयनिक कंपाउंड ठोस होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, फिर ये मैंने बताया कि ये भंगुर होते हैं, जनरली ये भंगुर होते हैं, इस पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये दो भागों में टूट जाते हैं, फिर मैंने ये बताया था कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो लिखो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यानी कि आयनिक यौगिक के पास उच्च मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मेल्टिंग का मतलब होता है गलनांक और बॉइलिंग का मतलब होता है क्वथनांक, ठीक है। देखो हाई गलनांक, हाई गलनांक एवं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्वथनांक। बट मैं हिंदी वाले बच्चों से भी आग्रह करूंगा कि ये सब टर्म जो है आप जब लिखे तो जैसे बॉइलिंग आ रहा तो बॉइलिंग लिखे, आगे चल करके आपको फायदा होगा, और आप आगे जाकर पढ़ना चाह रहे हैं तो हिंदी में कोई नहीं पढ़ता है, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि ज्यादा कोशिश करें कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर करके पढ़ें। और ऐसा नहीं है मैं आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश का चक्कर मार रहे हैं, आप काम की बात करें, ठीक है। अब देखो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं यह वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है, वाटर में, सॉरी हाँ वाटर में सोल्यूबल होता है। आयनिक कंपाउंड क्या होंगे? वाटर में सोल्यूबल होंगे। और यह जो होते हैं किरोसिन, पेट्रोल, ईटीसी, जो ये मटेरियल है इसमें इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट यानी कि फोर्थ पॉइंट लिखो, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। इसका एग्जांपल देख लो आप, जो नमक है ये पानी में घुल जाता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन केरोसिन, पेट्रोल, ईटीसी। यानी कि आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं तथा ये यौगिक किरोसिन किरोसिन या पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, लिखो कि आयनिक कंपाउंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेज, ठीक है।
मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आयनिक यौगिक, पहले हिंदी में लिख लो आप, आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं कब? सिर्फ मोल्टेन स्टेज, यानी कि मोल्टेन यानी कि सिर्फ मोल्टेन क्या हो गया, द्रवित अवस्था में। जैसे मान लो NaCl और वाटर का सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, तो ये कंपाउंड जो होंगे, ये जो मिश्रण है, तब जाकर के ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ NaCl, यानी कि जो मेरे घर में टेबल साल्ट है, नमक है, यह जो है यह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ा क्या, पहले तो पिछले लेक्चर में पढ़े थे रिएक्टिविटी स्विच, उसके बारे में पढ़ा। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ भैया, इसको आप प्लीज उसको आप इतना लाइट मत लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मांग आलम जहांगीर, फिर सेना निकाला पहाड़ पर, पहाड़ पर हुजूर का आज आओ, ठीक है। ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी घटती है। अगर एक दो इधर उधर भी होते हैं तो प्लीज आप इसको माइंड नहीं करना है, ठीक है, इससे कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता है, ठीक है। का हुजूर आज आओ, ठीक है। अगर ये एक दो इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसे डायरेक्ट दो चार इसमें से दिए रहते हैं, इसमें से पूछ देता है कि किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसका कम है। उसके बाद हम लोग आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा, पहले तो एलिमेंट्स के बारे में पढ़े। तो आपसे निवेदन है कि मेटल और नॉन मेटल का नाम 1 से 20 तक आप याद कर लेंगे। 1 से 20 तक याद होने के बाद आपको उसका एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, उससे क्या होगा, आप उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता कर पाएंगे। अगर वो पता हो गया तो आप आयनिक कंपाउंड के बारे में अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर उसके बाद आयनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से होते हैं, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एकदम 100% होता है, ठीक है। मेटल जो है अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, इसलिए मेटल जो होते हैं यह पॉजिटिवली चार्ज होता है। मैंने बताया कि वैसे आदमी जो किसी को धन देता है वह धनी होता है, इसलिए वह धनायन होता है, और जो लेता है यानी कि वह ऋणी होता है, इसलिए वह ऋणायन होता है। और कटायन, जैसे मैंने बोला, कटायन मतलब काट रहे हैं, यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वह कटायन है, ठीक है, और जो निगेटिवली चार्ज है वह एनायन है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले मैंने बताया कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। क्या पढ़ा दोस्तों, कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं क्योंकि इसके जो बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो होता है बहुत ही मजबूत होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये ब्रिटल नेचर के होते हैं, अगर इस पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे यानी कि बल अप्लाई करेंगे तो ये दो भाग में टूट जाते हैं, ठीक है, बिखर जाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट पर हम लोगों कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि गलनांक एवं क्वथनांक ज्यादा होता है आयनिक कंपाउंड का। जैसे इसका एग्जांपल हम लोगों ने लिया था NaCl का, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट था वह लगभग 1000 केल्विन के आसपास था और बॉइलिंग पॉइंट लगभग 1600-1700 केल्विन के आसपास था, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये वाटर में सोल्युबल होते हैं और केरोसिन पेट्रोल में अघुलनशील यानी कि इनसोल्युबल होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वह मोल्टेन स्टेट में यानी कि द्रवित अवस्था में यह विद्युत का कंडक्शन करते हैं, लेकिन वही अगर ये सॉलिड स्टेट में ऐसे ही है तो ये विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लाइक करिए चैनल को, और पहली बार आप विजिट कर रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए, इससे होगा क्या कि ऐसे ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है। और अगर कहीं भी कोई डाउट हो, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो इस जो हमने पढ़ाया, या कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट करिए, ठीक है। एक इसका क्वेश्चन का सीरीज हम लोग डाउट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेटल नॉन मेटल का, एक सीरीज और आएगा क्वेश्चन का, तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम वहां पे डिस्कस किए हैं, प्लीज उसको विजिट करिए। अगर आप इस लेक्चर को अभी तक जो लेक्चर पढ़ाया गया है, 4 लेक्चर हो चुके हैं, अगर वो आप देख लिए हैं तो, ठीक है।
तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा।